हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ ये होली स्पेशल गुजिया। बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें तो आपकी भी गुजिया ऐसी ही बनेगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी डाला है और उसमें सूजी डाली है। इसको रोस्ट कर लिया है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा भुनना है, कच्चापन निकालना। सेम पैन ले लिया है मैंने, इसमें मावा डाला है मैंने 150 ग्राम के करीबन। इसको 1 मिनट चला लिया है। उसके बाद इसमें डेसिकेटेड कोकोनट, ड्राई फ्रूट्स सारे डाल दिए मैंने, काजू बादाम किशमिश छुआरे सब। और 1 कप मैंने पीसी हुई चीनी डाली है और जो रोस्टेड सूजी थी वो भी डाल दिए। सबको मिक्स कर लेंगे, 1 मिनट के लिए चला लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और स्टफ तैयार है। अब इसके पूरी बनाएंगे तो सबसे पहले मैदा लिया है। मैदे में मैंने मोयन डाला है, गरम ऑयल डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और उन्होंने पानी से डो तैयार कर लेंगे। अच्छे से डो तैयार होता है तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डो तैयार कर लिया है मैंने और इसको मसल मसल के अच्छे से चिकना कर लेंगे 2 मिनट के लिए, और ढक के 10 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, डो तैयार है। अब इसकी गोल गोल पूड़ियाँ लोइयाँ बना लेंगे और इनको बेल लेंगे, पूड़ियाँ बना लेंगे। पूड़ी ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, अपनी रोटी के जैसी होनी चाहिए। और मैंने गुजिया का सांचा लिया है। सांचे से सारी गुजिया एक जैसी बनती है, इसलिए मैं सांचे से बना रही हूँ और फटाफट बन जाती है। इसमें मैंने पूड़ी को रखा है और स्टफिंग रखी है, जो कि अभी तैयार करी थी अपन ने, वो स्टफिंग रखी है। और चारों तरफ मैंने पानी लगा के इसको प्रेस कर दिया है, अच्छे से पैक हो गई है। इसे एक और बना के दिखा देती हूँ मैं अच्छे से। और जो किनारे स्टफिंग आ रही है उसको अंदर कर दे, वरना बाहर से ऑयल अंदर जा सकता है, खुल सकती है। तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है बनने में। और मैंने ऑयल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, हल्का सा ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैंने थोड़ा सा डो डाल के चेक कर लिया था, अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैंने सारी गुजिया डाल दी है, एक तरफ पक चुकी है तो मैं इनको पलट दूंगी। ऐसे पलट पलट करके गोल्डन ब्राउन करनी है इनको, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो मैं इनको निकाल लूँगी अच्छे से। तो अच्छे से निकाल लिया है मैंने, फिर सेकंड बैच और डाल दिया है। ये बैच पकता है तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें और बताइए कि कैसी बनी है। और आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही खस्ता बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। होली स्पेशल है, होली पे बना कर खाइए। और 300 ग्राम मैदा लिया मैंने तकरीबन, उसमें कम से कम मेरी 35 से 40 बन गई है भुजिया, बहुत सारी बनी है, बहुत ही टेस्टी लगी है। और इनको 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और दिखने में कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ही खस्ता है, बहुत ही टेस्टी है। मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।